इंडिया में BGMI बैन हो चुकी है और प्ले स्टोर से उसको जो नए यूजर्स हैं वो डाउनलोड नहीं कर सकते। आपको ऑलरेडी ये बात पता होगी, आप कह रहे होंगे कि ये घिसी पिटी न्यूज़ दोबारा मैं क्यों सुनाने आया हूँ। तो न्यूज़ तो पुरानी है देखो कि BGMI बैन हो चुकी है, और आप अगर आप BGMI प्लेयर हैं तो आपको ये बात पता होगी। बट जिस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो एक घिसी पिटी बात नहीं है, वो ये बात है कि इंडिया में इन गेम्स पे या फिर इन कुछ भी ऐप्स जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं उनके साथ ये सारी स्ट्रेटजीज क्यों प्ले करी जाती हैं कि उनको बैन कर दो फिर अनबैन कर दो। कुछ तो रीज़न होते होंगे कि जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर गेम्स हैं उनके साथ ही ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो अगर आप पीछे जाएँ और ये रीज़न ढूँढें कि BGMI को छोड़ के जो PUBG था उसे क्यों बैन किया गया था, तो आपको पता होगा उसका एक रीज़न था कि वो कि चाइनीज़ ऐप थी। इससे पहले जो TikTok थी वो भी एक चाइनीज़ ऐप थी। तो PUBG का चाइनीज़ ऐप होना कोई एक बड़ा रीज़न नहीं था जिसको लेके बैन लगाया गया था या सैंक्शंस लगाए गए थे। रीज़न ये था कि इंडिया में 2019 में या फिर 2020 में, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, एक IT रूल्स लाए गए थे, और वो IT रूल्स हमारे प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए लाए गए थे कि हम ऑनलाइन जो भी चीज़ें करते हैं, जिसका नाम था IT रूल्स 2020 या फिर 2019, वो आप क्लियर देख लेना, मैं एग्जैक्ट डेटा पे नहीं जाऊँगा। तो वो हमारे प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए लाए गए थे कि हम ऑनलाइन जो भी चीज़ें करते हैं, चाहे वो परचेजिंग करते हैं या फिर कुछ भी चीज़ें खरीद के सेलिंग करते हैं, या हम कोई पोस्ट डालते हैं या फिर हम किसी पोस्ट पे कमेंट करते हैं, तो वो पोस्ट पे कमेंट वगैरह या फिर कुछ भी चीज़ें जो हम ऑनलाइन करते हैं उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट अपनी निगरानी रख रही थी, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ये देख रही थी कि किसी भी टाइप का किसी भी यूज़र को हार्म ना पहुँचे, कुछ भी ऐसी चीज़ें पोस्ट ना करी जाएँ या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें ना डाली जाएँ जो पब्लिक के लिए प्रॉब्लमेटिक फेस करनी पड़े। तो उसमें एक सेक्शन था जिसका नाम था 69A। उस सेक्शन के अंदर गवर्नमेंट ने ये मेंशन करा था कि कोई भी कंपनी, कोई भी IT कंपनी, कोई भी ऐप या फिर कोई भी वेबसाइट अपना जो यूज़र डेटा है वो किसी को बेचेगी नहीं। मींस कि आप जो भी चीज़ें फ़ोन में करते हैं, आपकी सेटिंग्स हो गई, आपके इंटरेस्ट हो गए, आप क्या सर्च करते हैं, आप खाने में डोमिनोज जाते हैं या फिर पिज़्ज़ा हट जाते हैं या फिर आपको क्या पसंद है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपका पर्सनल डेटा कोई भी ऐप किसी थर्ड पार्टी को बेचेगा नहीं। अब आप कहेंगे कि हमारा डेटा लेके बाकी कंपनीज करती क्या या फिर बाकी लोग करते क्या हैं। हमारा डेटा इतना प्रीशियस होता है कि आपका डेटा से आपको ऐड टारगेट करी जाती है। लाइक अगर आप डोमिनोज का कोई पिज़्ज़ा खाते हैं तो वो जो ऐप का डेटा है, अगर वो पिज़्ज़ा हट के पास है तो वो भी आपको ऐड टारगेट करेगा कि हमारा भी खा के देखो, हमारा भी अच्छा है। तो सेम केस था कि जो पबजी था वो हमारा जो प्रीशियस डेटा है वो अपनी कंट्री को बेचता था, अपनी कंट्री को सारा डेटा रिकॉर्ड्स बेचता था कि जितनी भी उनकी सर्विसेज हैं उसकी जो एड्स हमें टारगेट करी जाए। और सेम सेक्शन के अंदर जो आया है वो BGMI भी आया है। BGMI ने भी हमारा जो डेटा है वो अदर कंट्रीज़ को सेल करा है, जिस रीज़न की वजह से BGMI को इंडिया में टेम्प्ररी बैन करा गया है। मैं टेम्प्ररी बैन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी इसको प्ले स्टोर से उड़ाया गया है, इसकी जो ऑफिशियल सर्वर्स हैं वो अभी भी वर्किंग हैं। अगर आपके फ़ोन में गेम ऑलरेडी डाउनलोड है तो आप खेल पा रहे होंगे, आपको पता होगा कि गेम किसी टाइप का एरर नहीं दे रहा जैसे पबजी एरर देता था। तो मेरे हिसाब से इस पर एक टेम्प्ररी सैंक्शंस लगाए गए हैं और इनसे परमिशंस मांगी गई है कि आप एक रिटर्न परमिशन दो कि आप अपने जो डेटा है वो किसी भी कंट्री को बेचोगे नहीं। ये मेरी अजम्पशन है कि अगर आप सर्वर्स बंद नहीं किए गए हैं तो ये रीज़न्स हो सकते हैं। तो अगर BGMI इन सब चीज़ों पे एग्री हो जाता है कि हम अपना डेटा या फिर जितने भी पर्सनल आपके यूज़र डेटा है वो कहीं नहीं सेल करेंगे, तो उस केस में BGMI को वापस प्ले स्टोर पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा और भी यूज़र्स के लिए। तो जो रूल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, गवर्नमेंट को मजबूरन उन रूल्स पे फॉलो करना होता है क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सबके राइट्स और सबके जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो भी अपनी प्रैक्टिस करती है, कोशिश करती है। तो उसी रीजंस की वजह से ये जो लॉ है इसके अंदर BGMI अगर आता था तो इसको बैन करना गवर्नमेंट की मजबूरी हो जाती थी। अब आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो ये फ्री गेम्स होती हैं जैसे पबजी हो गया, जो आपको डाउनलोड करने के किसी भी टाइप के पैसे या फिर किसी भी टाइप के सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं करती हैं, इन ऐप्स की जो अर्निंग होती है वो ये दो तीन तरीके से होती है। या तो इन ऐप परचेसेस से होती है जिसमें आप रॉयल पास वगैरह या फिर स्किन्स खरीदते हैं। दूसरी चीज़ की ये अपना जो डेटा है, पर्सनल डेटा है, ये अलग अदर कंट्रीज़ को बेचते हैं, और ये डेटा 100-200 करोड़ का नहीं जाता, ये 1000 करोड़ का डेटा जाता है। ये बहुत बड़ा गेम है। आप जब भी अपने फ़ोन में कुछ चीज़ इंस्टॉल करते हैं तो आपने देखा
होगा आपको अलाउ करने के लिए आता है कि वॉइस को अलाउ करो, कैमरा को अलाउ करो, जिस चीज़ की जरूरत भी नहीं है। वॉइस देखो विच इज़ वेरी ऑब्वियस कि आप गेम खेलते हैं तो आपके माइक वर्क करेगा, लेकिन कैमरा की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो फिर भी अलाउ करवाता है, स्टोरेज को अलाउ करवाता है जिसमें आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन बाकी सारी ऐप्स की जितनी भी ऐप्स ने जिस जितनी भी ऐप्स की आपने वॉइस खोली हुई है फिर कैमरा खुला हुआ है इंटरेस्ट खोले हुए सबको एक गैदर करके एक जगह एक सैशे फाइल बना के आपका जो फ़ोन है वो सारी डिटेल्स सेंड करता है अदर कंट्रीज़ को। तो अदर कंट्रीज़ अपने यहाँ की सर्विसेज आपको टारगेट करती हैं, लाइक आपने अगर आपको एक कुछ भी ड्रेस आप पहनते हैं या फिर कुछ भी आप एक प्रोडक्ट सर्विसेज को यूज़ करते हैं तो सिमिलर वो प्रोडक्ट और वो सर्विसेज अगर और कोई कंपनी बनाती है तो वो भी आपको टारगेट करेगी कि ये भी पहन के देखो ये भी अच्छा है। तो ये रीज़न थे कि BGMI को बैन किया गया, टेम्प्रेरी बैन किया गया है, होप ये वापस आए क्योंकि गेमर्स में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर गेम है और अच्छा खासा लोग इसमें आ गए थे, इंगेज हो गए थे पेंडेमिक के बाद खेल रहे थे। तो ये रीजंस हैं, तो होप आपको समझ आया होगा कि क्यों BGMI बार 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 इंडिया में बैन हुआ जाता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है या आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि सेम ऐसी ही वीडियोज़ मैं लाता ही रहता हूँ आगे, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हो मेरे कंटेंट के स्टेप पर। तो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ वीडियो में बहुत जल्दी, गुड बाय।